हेलो फ्रेंड, आज मैं फिर हाजिर हुई हूँ कुछ नया लेके, कुछ अच्छा लेके। देखिए, आज मैं आपको अपनी अपराजिता की बेल दिखाती हूँ। कितनी सुंदर अपराजिता की बेल हो रही है। और फ्लावरिंग की बात करें तो देखिए, बहुत ज़्यादा भर भर के फ्लावरिंग हो रही है। इसमें कई प्लांट मिक्स हैं। ये देखिए, ये वाला जो पिंक कलर का फ्लावर आ रहा है, ये छुई मुई का है। देखिए, मैं दिखाती हूँ। देखिए, उसके बराबर में ये जो पिंक पर्पल कलर के देखिए फ्लावरिंग आ रही है, और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग भी हो रही है। देखिए, फ्लावरिंग आने का रीज़न सिर्फ यही है कि मैं इनको फली में डाइवर्ट नहीं होने देती। जब फूल सूखने लगता है तो मैं उसको काट देती हूँ, तोड़ देती हूँ, या फूल सूखने से पहले मैं अपने मंदिर में भगवान जी पर चढ़ा देती हूँ। जिससे क्या होता है कि जो हमारे फूल फलियों में बन के बीज बनने के लिए तैयार होते हैं और फूल नहीं खिलने देते। तो आपको अगर अपने बगीचे में फूल खिलाना है तो बीजों की परवाह नहीं करें। बीज तो आप लास्ट में भी ले सकती हो, दो तीन फलियों से भी आपके पास काफ़ी बीज हो सकते हैं। तो देखिए, भर भर के फ्लावरिंग हो रही है। इसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको, ये वाइट कलर का फ्लावर है जो कि शाम को 4 o'clock खिलता है। इसको 4 o'clock कहते हैं। देखिए, मेरा लेकिन खिल रहा है। ये रात में खिल जाता है और दिन में बंद हो जाता है। आप ये देखिए, कितनी कलियाँ, बेशुमार और बेशुमार ही फूल हैं। बहुत अच्छा, इसके भी अब कई कलर आने लगे हैं। फ्रेंड्स, मेरे पास तो सिर्फ दो कलर हैं। अगर किसी फ्रेंड्स के पास और कलर हैं तो वो मुझसे ले सकता है और मुझे भी दे सकता है। अगर किसी पे वाइट नहीं है तो वो मुझसे इसके सीड्स ले सकता है, और अगर और कलर के हैं तो वो मुझे उनके बीज दे सकता है। देखिए, ये सब बीज में कन्वर्ट हो जाएंगे और नए पौधे तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का ये मेरा फूलों वाला वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ मुझे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय फ्रेंड्स।